यशोधरा पुलिस थाना हद के माशरी गांव में 2 से 3 युवक झगड़ा होने की जानकारी पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान मिली। पुलिस जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची तो घटनास्थल पर सुबोध मिश्रा मृत अवस्था में पाया गया। पुलिस ने मामले में अधिक पूछताछ की तो देसी शराब की लेन देन को लेकर गोलू राउत ने सुभाष की हत्या करने की बात सामने आई। ऐसी जानकारी यशोधरा पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक रमाकांत दुर्गे द्वारा दी गई है। शनिवार के तड़के सुबह माजरी गांव में 2 से 3 लोगों में झगड़ा हो रहा है, ऐसी जानकारी पुलिस को मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस को घटनास्थल पर सुबोध विशाल मिश्रा उम्र 22 साल मृत दिखाई दिया। पुलिस द्वारा छानबीन करने पर गोलू राउत से देसी शराब लेन देन को लेकर दोनों में विवाद के चलते यह हत्या हुई है, ऐसी जानकारी पुलिस को मिली है। यशोधरा पुलिस इस मामले के आगे की जाँच कर रही है। मृतक नाम है तो सुभाष विशाल मेश्राम 22 वर्ष हाँ मृत अवस्थेत आढळून आला। तिथे त्याला आम्ही औषधोपचार करणे आम्ही आपण तो गाडीने मेवला पाठवले आणि इतर ठिकाणी विचारपूस केले असता असे समजले की त्यांनी गोलू राऊत यांच्याकडून देशी दारू उधारी घेतली होती। त्या देशी दारीच्या कारणावरून त्यांच्या आपसात भांडण झाले आणि गोलू राऊत भांडणामध्ये गोलू राऊतने त्याला तलवारीने मानेवर आणि पोटावर मारून जखमी करून गोलू राऊतसोबत रागेश परिमल आणि अभिषेक असे 2 मुलं होते ते पळून गेले। डीबी ताबडतोब पोहोचतात, डीबी स्क्वॉडला आम्ही तिथं रवाना केलं त्यांच्या शोधार्थ। डीबी स्क्वॉडने तिन्ही आरोपीला मोमिनपूर एरियातून तिन्ही आरोपीला ताब्यात घेतलेला आहे। आरोपी सध्या आमच्या ताब्यात आहेत, पुढे तपास सुरू आहे। कॅमेरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागडे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBC News, नागपूर।